गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये सारी बातें संक्षिप्त में बताई थी कि हम 11th क्लास में दो किताबें पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला बुक जो हमारा है वो अर्थशास्त्र के सांख्यिकी है, दूसरा जो बुक है हमारा वो इंडियन इकोनॉमी जो अप्लाइड पार्ट है, टेक्निक्स पर डिपेंड टूल्स और टेक्निक्स का पार्ट है। ये हम थोड़ा थोड़ा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को पहले सीख रहे हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें जो है इन पर हम अभी प्राथमिक स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जब हम ये जान पाएंगे कि उपभोक्ता क्या है, विनिमय क्या होता है, वितरण क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, राजस्व क्या होता है, इनका क्या कोरिलेशन है, तब जाकर हम ये निर्णय ले पाएंगे कि इनको हम कैसे उपयोग करें हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि वर्तमान जो जीवन है वो सामाजिक जीवन के साथ आर्थिक जीवन की श्रेष्ठता को साबित करता है। तो आर्थिक प्राणी बनने के नाते ये सारे कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेता क्या होता है, विक्रेता क्या होता है, विनिमय कैसे किया जाता है, विनिमय दो प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, उत्पादन हम क्या समझते हैं, वास्तव में अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने चार प्रकार के साधनों की चर्चा आपसे की, श्रम, पूंजी, भूमि, साहस, इनके बारे में चर्चा की आपसे, उनको क्या मिलता है प्रतिफल, श्रम को क्या मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है जिसको वेजेस डब्ल्यू से हमें प्रदर्शित करते हैं, जो पूंजी होता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, जो भूमि होता है उसको लगान मिलता है, और जो उद्यमी जो रिस्क लेता है काम करने का उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उस पर मैंने आपसे चर्चा की। साथ में मैंने आपको राजस्व बताया, विनिमय बताया, वितरण बताया, ये सारे कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में दी। आज हमारी विषय वस्तु है इस वीडियो में, हम आज चर्चा करेंगे एक तो आपको मार्केट का जो मैकेनिज्म है, बाजार की जो यंत्रवादी प्रक्रिया है उसको बताया जाएगा, और उससे पहले हम चर्चा करेंगे जो विनिमय वितरण और हमने राजस्व उत्पादन को बढ़ाया, इनका इकोनॉमी में कैसे कॉर्डिनेशन बनकर अर्थव्यवस्था बनती है उस पर हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम मैकेनिज्म पर आएंगे। तो देखिए छात्रों, यहां मैं टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, इकोनॉमी का सबसे सिंपल मॉडल जो है, सबसे सरल मॉडल है, उस पर मैं प्राथमिक तौर पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि हम इकोनॉमी का सबसे सरल मॉडल ले रहे हैं तो उसमें हम इकोनॉमी को दो क्षेत्रों में बांट लेते हैं। एक क्षेत्र तो होता है हमारा परिवार, और दूसरा क्षेत्र होता है हमारा स्वर। दो क्षेत्रों में मैंने इकोनॉमी को बांट लिया, परिवार और फर्ज। आप पूर्व में विदित है, परिवार जो होता है ये हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इसको हम एचएस के नाम से जानते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र। और घरेलू क्षेत्र कौन सा होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें उपभोक्ता रहकर आर्थिक क्रियाएं करता है, उत्पादक रहकर आर्थिक क्रियाएं करता है और अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक संतुष्टि के लिए कार्य करता है, वो परिवार होता है, वो हमारी कॉमी होती है, उसको ही घरेलू क्षेत्र कहा गया, और उसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों रहते हैं। हम जितने समाज में जिस स्थिति में हम रह रहे हैं अपने घर परिवार बनाकर, वो जो सेक्टर इकोनॉमी का है उसको बोला गया परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। और जो उधर मैंने फर्म सेक्टर लिया है, इसको प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पीएस, पीएस फर्म कह दो, या इसको उत्पादक क्षेत्र भी कह सकते हैं, उत्पादक जो वस्तु सेवाओं का अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, उत्पादन करता है, उनके स्वरूप को बदलता है। जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उत्पादन का मतलब होता है वस्तु के मूल्य में वृद्धि और उसकी उपयोगिता में वृद्धि। तो यहां उत्पादक कौन होगा, जो वस्तु सेवा का उत्पादन करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु के स्वरूप को बदलेगा। तो छात्रों आपको यह समझ आ जाना चाहिए परिवार क्या है और फर्म या उत्पादक क्या है। जहां उपभोक्ता और उत्पादक रहता है
वो हाउस होल्ड फैक्टर होता है, और जब वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है साधनों के द्वारा वो फर्म या उत्पादक क्षेत्र होता है। अब इसके साथ ही हम इसमें दो प्रकार के बाजार और ले रहे हैं, एक है वस्तु बाजार, वस्तु बाजार, और एक हमने लिया है साधन बाजार, साधन बाजार। देखिए छात्रों, वस्तु बाजार क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना है वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट, जीएम, गुड्स मार्केट जीएम, ऐसा बाजार जहां वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय होगा, ऐसा बाजार जिसमें वस्तु सेवाएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, उसको बोला गया वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट। और ये जो साधन बाजार हमने लिया है उसको बोला जाता है एफएम, फैक्ट्री मार्केट, ऐसा बाजार जहां साधनों का क्रय विक्रय होता है। अब साधन और वस्तुओं में अंतर आपको करना है, बाजार में जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करके प्रत्यक्ष का संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उपभोग करते हैं, वो तो वस्तु बाजार कहलाता है, और इन वस्तुओं का जो साधन उत्पादन करते हैं वो साधन बाजार कहलाता है। तो साधन बाजार में तो चार प्रकार के साधनों पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, चार प्रकार के साधन भूमि पड़े जाते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और साहस। इन चारों साधनों के सामूहिक प्रयास से ही किसी वस्तु सेवा का निर्माण होता है, और वो वस्तु सेवा बनने के बाद, उत्पादित होने के बाद वो वस्तु बाजार में आती है, और वस्तु बाजार से हम उसको क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद उसका क्या कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। तो छात्रों यहां ये जो छोटा सा फॉर्मेशन मैंने बनाया है इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि ये दशाएं बाजार में कैसे चल रही है। तो सबसे पहले हम यहां से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, परिवार सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर से। सबसे पहले परिवार में हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हम परिवार में रह रहे हैं, हमें बहुत सारी वस्तु सेवाओं की जरूरत है, और उन वस्तु सेवाओं को पूरा करने के लिए हम अपनी सेवाओं को बेचते हैं, और जब हम अपनी सेवाओं को बेचते हैं तो ये सेवाएं बेचने के बाद कहां चली जाती है, हमारी साधन बाजार। हमारे पास क्या है, हमारे पास है श्रम, हमारे पास है भूमि, हमारे पास है पूंजी, और हमारे पास है उद्यम करने की क्षमता, प्रबंधन करने की क्षमता, किसी काम में निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास है। वो किसके पास है, परिवार के पास, हाउस होल्ड के पास। तो इसने अपनी सेवाओं को बेच दिया साधन बाजार, क्यों, क्योंकि इसको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, और अपनी आवश्यकता पूरी कब होगी, तब ये अपनी सेवा दूसरों को देगा, तो उससे दूसरे की सेवा अपने लिए लेगा। तो यहां हमने साधन को बेच दिया, किस किस साधन को बेच दिया, एल फॉर लेबर, एल फॉर लैंड, के फॉर कैपिटल और ई फॉर एंटरप्राइज। ये उत्पादन के चार साधन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये उत्पादन के चार साधन है, इनकी सेवाओं को हमने बेच दिया। अब इनकी सेवाओं को क्यों बेचा हमने, क्योंकि इसके बदले, सेवाओं को बेचने के बदले हमें कोई प्रतिफल मिला, वो प्रतिफल किस रूप में मिला, यदि हमने श्रम बेचा है तो हमें डब्ल्यू के रूप में मिल गया, वेजेस, जिसको मजदूरी कहते हैं। यदि हमने भूमि को बेचा है, लैंड को बेचा है, इसके बदले हमें मिला रेंट, लगान, भूमि के बदले क्या मिलता है, लगान मिलता है। यदि हमने पूंजी को बेचा है, कैपिटल को बेचा है, इसके बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि हम उद्यमी है, खुद इन सारे साधनों का नियोजन कर रहे हैं, अपना खुद का प्लांट खुद चला रहे हैं, खुद रिस्क ले रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये तीनों साधनों को मिलने वाला प्रतिफल हमेशा पॉजिटिव होता है, किस किस का, लैंड का, लेबर, लेबर लैंड का, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन चौथा साधन जो है प्रोवाइडर, इसको मिलने वाला प्रतिफल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कि जो व्यक्ति खुद काम करता है उसको रिस्क का सामना भी करना पड़ता है, उसको नुकसान भी हो सकता है, इसका नेगेटिव भी जा सकता है। तो वेजेस का मतलब मजदूरी, आर का मतलब लगान, आई का मतलब ब्याज इंटरेस्ट, और टी का मतलब लाभ। ये प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे, इसको तो बोला गया साधन प्रभाव, साधन प्रभाव, इसको एलएलपी, और इसको बोला गया प्रतिफल प्रभाव, इसको क्या बोला गया, प्रतिफल। तो हमने अपना काम बदल दिया, इसके बदले हमें ये दिया, एरो देखा उधर से, इधर सेवा जा रही, इसके बदले एरो इधर आ रहा। अब साधन बाजार में साधन खरीद लिया, अब साधन बाजार में साधन को खरीद लिया, लेकिन साधन बाजार जो है
काम करवाएगा उससे, यदि किसी साधन को उसने खरीदा है तो क्या करवाएगा उससे, खरीद करवाएगा। तो साधन बाजार इस साधन की सेवा को किसको बेचेगा, उत्पादक को बेचेगा। तो यहां से ये एल एल के ई चारों साधन की सेवा कहां प्रभाव हो जाएगा, फर्म के पास हो जाएगा। और फर्म उनसे वस्तु सेवा का उत्पादन करवाने के बाद क्या करेगा, वही प्रभाव होगा, किस रूप में होगा, मजदूरी के रूप में, वेजेस, रेंट के रूप में, लगान, ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में लाभ। उत्पादक ये प्रतिफल साधन बाजार को देगा, साधन बाजार ये प्रतिफल साधनों को देगा, साधन अपनी सेवाएं साधन बाजार को बेचेंगे, साधन बाजार की सेवाओं को काम में लगाएगा। अब यहां वस्तु सेवाएं बन गई और उनके पास क्या आ गया, काम के बदले में प्रतिफल आ गया, पैसा आ गया। अब ये क्या करेंगे, इनके पास जो प्रतिफल पैसा आया है इसको ये वस्तु बाजार में एक्सपेंस करेंगे, व्यय करेंगे, एक्सपेंस व्यय खर्च करेंगे। आप कुछ कमा के लाते हैं उसको कहां जाके खर्च करते हैं, बाजार में जाके खर्च करते हैं। तो इसके बदले में आपको कुछ कमा कर लाए, ये पैसा आपने वस्तु बाजार में एक्सपेंस कर दिया। वस्तु बाजार इस एक्सपेंस के बदले में, वस्तु बाजार इस एक्सपेंस के बदले में वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विस फ्लो, गुड्स एंड सर्विस फ्लो, वस्तु और सेवा का प्रवाह यहां से यहां होगा। हमने बाजार में पैसा दिया उसके बदले में हमें क्या मिला, वस्तु सेवा, और उस वस्तु सेवा का उपभोग करने के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, संतुष्टि प्राप्त करेंगे, सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब यह है यहां पर कि वस्तु बाजार में आपने, अब ये वस्तुएं वस्तु बाजार में कहां से आएंगी, ये वस्तु वस्तु बाजार में फर्म से आएंगे। तो यहां गुड्स एंड सर्विस फ्लो है, वस्तु सेवा का प्रभाव, और इसके बदले में ये जो वस्तु बाजार है ये एक्सपेंस है। तो छात्रों इस प्रकार से इकोनॉमी में एक सर्किल फ्लो बनता है और उसमें ये आर्थिक क्रियाएं किस तरीके से काम करती है और ये लगातार चलता रहता है। लगातार चलने का मतलब क्या है, आप काम करने गए, आपकी सेवा को यहां लगाया गया या वस्तु सेवा बनी, इसके बदले में आपको मजदूरी मिल गया, मजदूरी को आपने बाजार में खर्च कर दिया, बाजार वाले ने आपको वस्तु सेवाएं दे दी, ये वस्तु सेवा जो यहां बनी थी बिकने के लिए यहां जाती, इसके बदले खर्च करना पड़ता है। तो आपने जो कमाया था वो वापस यही चला गया फर्म के पास। अब एक दिन की या दो दिन की, दस दिन की सेवाएं की आपकी पूर्ति हो गई, लेकिन फिर सेवाओं की पूर्ति के लिए फिर काम करना पड़ेगा आपको, तो दोबारा से आपको अपनी सेवाओं को बेचना होगा, फिर दूसरे दिन निकलना होगा, आपने अपनी सेवाओं को बेचा, सेवाएं यहां जाती, यहां से आप काम करेंगे, प्रतिफल मिलेगा, वापस आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा फिर आप बाजार में जाएंगे, बाजार में जाकर पैसा खर्च करेंगे तो आपको गुड्स एंड सर्विस दी जाएगी, फिर ये पैसा वापस फर्म के पास चला जाएगा, फर्म जो काम करके आया आपको सेवाएं बाजार में देंगे। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग यह है कि अब आपको अंतर करना होगा, दो शब्द है, एक है अर्थशास्त्र और एक है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में अंतर करना होगा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ज्यादातर छात्र जो होते हैं अर्थशास्त्र को पढ़ लेता है, काफी ऊपर के स्तर तक पढ़ लेता है, लेकिन वो इस बात का अंतर नहीं कर पाते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था भी करना है, दोनों को एक तरह से समझते हैं कि इकोनॉमी है वो ही अर्थशास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है वो ही इकोनॉमी है, लेकिन दोनों में आंशिक अंतर है। अंतर क्या है, यदि इकोनॉमी की आप बात करेंगे तो ये जो विभिन्न घटक मैंने आपको बताए हैं, इन घटकों का ऐसा संगठनात्मक स्वरूप बनेगा जिसमें एक संगठन के तौर पर ये जुड़ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जुड़ जाएंगे और अपनी क्रियाओं में एक दूसरे के लिए करेंगे, ये प्रक्रिया तो बनेगी अर्थव्यवस्था। और यदि हम इनका व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, एक संगठन के तौर पर न करके इनको इंडिविजुअल स्टडी में लेकर जाएंगे, तो वो विषय वस्तु बन जाती है फिर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र में धन पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र में कल्याण पाया जाता है, अर्थशास्त्र में सीमितता दुर्लभता की बात की जाती है, ऐसी असीमितता की बात की जाती है आवश्यकताओं के संदर्भ में,
जेके मेहता की जो मात्रा आवश्यकता रहेगी इसकी बात कर रहा है। प्रोफेसर सैमुएलसन की बात करें तो डेवलपमेंट की बात करता है, विकास की बात कर रहा है। तो यहां अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने समझा है। तो इन घटकों को या व्यक्तिगत अप्रोच के तौर पर पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र होता है, और इनका जब हम संगठनात्मक स्वरूप पढ़ते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था बन जाती है। अब ये समझाने का पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये था कि विभिन्न प्रकार के घटक हमने पढ़े, जैसे हमने बहु पढ़ा या उत्पादन पढ़ा, हमने उत्पादन पढ़ा, हमने विनिमय पढ़ा, हमने वितरण पढ़ा और राजस्व। ये विभिन्न प्रकार के घटक आपने पढ़े। इन सारे घटकों का जो स्वरूप है वो इस संगठन में बताया गया है। कैसे बताया गया है कि यदि आप खर्च करके वस्तु सेवाएं ले रहे हैं तो ये होगी आपकी उपभोग की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया हो गई, उपभोग कर। या आप साधन को बेचकर उसके प्रतिफल को प्राप्त कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपकी हो गई उत्पादन, ठीक है। या साधन सेवा के बदले जो प्राप्त कर रहा है यह प्रक्रिया हो गई वितरण, वितरण साधन ने काम किया उसके बदले उसको उसके प्रतिफल मिला, ये वितरण हो गया। ये वाली प्रक्रिया हो गई आपकी विनिमय, एक्सचेंज, कि आप मुद्रा दे रहे हैं उसके बदले वस्तु ले रहे हैं। मैंने दो प्रकार का विनिमय आपको बताया था, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय में बताया गया था काम के बदले वस्तु या वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय, और काम के बदले मुद्रा या वस्तु के बदले मुद्रा का विनिमय मुद्रा विनिमय। तो यहां आप मुद्रा दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और वस्तु आपको मिल रही है, विनिमय की प्रक्रिया हो गई, ये उपभोग की प्रक्रिया हो गई, वितरण की प्रक्रिया हो गई, ये उत्पादन। इनका जो संगठनात्मक स्वरूप बनता है यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए छात्रों, यहां अगले वीडियो में आपको मैं प्राइस मैकेनिज्म की चर्चा करूंगा, और प्राइस मैकेनिज्म में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से वस्तु सेवा जो होती है बाजार के अंदर उसका कीमत निर्धारित कैसे होता है, किस मात्रा पर किस कीमत पर एक उपभोक्ता उसको खरीद पाता है, संतुलन कैसे होता है बाजार का, और संतुलन यदि विवर्तित हो जाए तो फिर से वो संतुलन कैसे प्राप्त होगा, कौन कौन से फोर्स उसमें काम करते हैं उसको केंद्रित करने में और विकेंद्रित करने में, ये सारी चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको आप थोड़ा सा समझें, समझ यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व कर दी जाएगी और आपको दोबारा भी समझा दिया जाएगा। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़े इसको, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से पहली बार आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, हो सकता है टेक्निक और टूल्स थोड़े से आपको हार्ड लग रहे हो, कठिन लग रहे हो, क्योंकि नई नई विषय वस्तु है, लेकिन बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आप इसको आराम से पढ़ें। फिर भी यदि समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।